इमरान खान की सरसदारत मरकजी लीडरशिप का इजलास, असद उमर, असद कैसर और उमर अयूब जबकि यासमीन राशिद ने भी शिरकत की। परवेज खड्डा, गुलाम सरवर, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान और नूरुल हक कादरी ने भी इजलास में शिरकत की है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तारीख ना मिलने पर हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं लियाकत अली से। लियाकत बताएगा अगर इजाजत ना मिली तो क्या हिकमत अमली होगी। पार्टी की लीडरशिप का ये इजलास जारी है जिसमें असद उमर, असद कैसर, शिरजी साहब, उमर अयूब, यासीन राशिद, परवेज खाटक, गुलाम सरवर खान, जियाला के बल्तिस्तान, खालिद खुर्शीद और दीगर रहनुमा शरीक है। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मशावरत की जा रही है और ताहाल पंजाब और केपी के इलेक्शन में जो है वो इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि अभी तक इंतखाब की तारीख नहीं दी गई। उमर की लीडरशिप ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से हर फोरम पर आवाज उठाने का भी फैसला किया और कहा कि इंतकामी कार्रवाइयां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत।